आरके म्यूजिक प्रेजेंट्स। राजा हरिश्चंद्र में भार का जिक्र किया कवि ने कि राजपाट सब ले लिया बाकी सो भार धरे थे। ये भार क्या था बताते सजनों बुजुर्ग बैठे हैं कि चार धान का एक गुंज होता है गुंज और पांच गुंज का एक पण। बुजुर्ग जानते पण किसे कहते हैं और आठ पण का एक धरण होता है धरण और चार धरण का एक कृष होता है और आठ कृष का एक पल होता है और फिर सौ पल का एक तुला होता है बीस तुला का एक बहार होता है। उन कविया की कविता ही कड़ता ही बड़ा इतना गहरा भाव शब्द एक छोटा सा लगा दिया बोला बाकी सो बहार देते उनकी तो होड़ हो ही नहीं सकती है। एक छोटा सा भजन कवि ने समझाने की कोशिश करी है। रही बात कवियों की दादा लक्ष्मीचंद जाटी हुए और एक दादा लक्ष्मीचंद पथराले भी आज सच्चाई बताता हूं मन की बात मनाज मेरा लग गया तुम्हारे बड़ी खुशी हुई है। एक छोटा सा भजन आपके बीच में है मैं चाहूंगा उन कवियों के लिए एक बार जोरदार ताली लगाएं सर्व कवियों के लिए उनका सम्मान करें आप और बड़े सुंदर भाव लगाए समझाने की कोशिश करिए दर्द के साथ में क्योंकि समझाना तो प्रेम का होता है। कैसे शब्द लगाए इंसान को समझाने की कोशिश करी नुबलेरे ओड़े के आया था अड़ा ती जब ओपरी ओपरी हवाला गिनत रहे तो सारी वतन भूल गया आड़ा के नू सोचे है कि मैं सब की में हूं लेकिन ऐसा नहीं है। ख्याल करे क्या खतर मरे है क्या कहते बजले राम नाम बंदे ए रे अपने दिल ने थाम बंदे ए रे सर था खाम में खाम बंदे लोभ में मर बंदे अपने दिल न थाम बंदे दिल था खाम न थाम बंदे लोभ में मरे देखिए सो का जोड़ चे कितने घूमे हो भजन पे आगे डटे बताते कि मात पिता यो कुटम कबीला या सारी सज उठी लीला मांगे राम तेरा जबर वसीला जो सच्चा रहे जुबान का तब मर्द पना होता है धोती कुर्ता बांधे तो मर्द ना होता के भजले राम नाम बंदे अपने दिल ने थाम बंदे अरे व्यर्था खाम में खाम बंदे के लोभ में मरज हर तने के कही थी तू के करने लग गया क्या कहा ड्यूटी वाले गांव से हमारे गुरु जी बूंदीनाथ जी बहुत मान सम्मान आशीर्वाद पहले दिया सौ रुपए से और आशीर्वाद बार बार आदेश गुरुजियों को धानी संग्र से आदरे सुरेश जी सौ रुपए से मान सम्मान करते बार बार धन्यवाद धन्यवाद काफी देखियो काफी है क्यों कर ठोक रखे क्या कहा बोली करे था भजन करूंगा
तेरा हमेशा सच्चा ध्यान धरया था, फिर पार आत बदल गया तेरा काम सरया था, फिर नमक हरामी याद कर के वचन भरया था, फिर हवा का फटकारा लाग्या राम नाम तन थारा लाग्या, और कहने का के सारा लाग्या तैतने फिर आदरणीय श्रीमान राजपाल जी, पुत्र श्री बैंजनाथ जी, बहुत मान सम्मान, पहले 100 रुपए 100 आशीर्वाद, बार बार धन्यवाद धन्यवाद। मैं इस कार्यक्रम की लाइव रिकॉर्डिंग मेरे बड़े भाई पवन सांद्रवासिया आर के म्यूजिक कंपनी 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मेरे बहुत आदरणीय मेरे बड़े भाई न गणे आली इनके कोई बात, अच्छा अच्छा मेरी नजर कमजोर वाली फिर तो फिर 500 का दोगे तो 1000 का बनेगी, या भी देख लियो, ये तो प्रेम है। राजपाल पुत्र श्री बैजनाथ जी बहुत मान सम्मान, पहले 200 रुपये और बार बार धन्यवाद है धन्यवाद। और मेरे बड़े भाई स्वर्गीय कवि श्री लक्ष्मीचंद जी के पुत्र मेरे भाई परमानंद जी 500 रुपये से मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद करते हैं धन्यवाद। लक्ष्मीचंद जी के परिवार से पारस जी 200 रुपए से मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद। मेरे भाई महेश जी पुत्र श्री जगदीश जी 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद। नुमलेरे जवानी सदा नहीं रहनी, हर जब यो टेम आवस है तो आप तो बाबा बन जा, अगर मेरे तो बड़ा कोई संत नहीं, और आप बोले मेरे तो कोई बड़ा भगवान नहीं, अरे तो डरती जा से पुरुष थक जाते, दूसरी कली में कवि ने कैसे समझाया है क्या। अंधा हो गर्भारी भूल गया, अरे मेरे कैसा कोई न मन में बारी भूल गया, अरे पूंजी ले रहा मुंजी तू उधारी भूल गया, पूंजी ले रहा तू उधारी भूल गया, अरे केले ज्यादा साथ बाजी ज्यादा खाली हाथ बाजी, कम कमा दिन रात बाजी ढूंढने भर वाले गांव से राम नारायण पणजी 200 रुपए से मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद है धन्यवाद। ये मेरे भाई 100 रुपए 100 आशीर्वाद 200 से, बार बार धन्यवाद धन्यवाद। 101 रुपए श्रीमान रामचंद्र प्रजापत जी, बार बार धन्यवाद धन्यवाद। 201 रुपए कृष्ण ओके साहब, बार बार धन्यवाद है। और 200 रुपए मेरे आदरणीय राजा अत्री जी मान सम्मान देते, बार बार धन्यवाद। और 100 रुपए
भागीरथ सरपंच साहब और 100 रुपए कृष्ण सनोब श्री हरचंद जी मान सम्मान देते हैं। बार बार धन्यवाद धन्यवाद। एक 101 रुपए मेरे आदरणीय कृष्ण सनोब श्री धनपत जी मान सम्मान देते हैं। बार बार धन्यवाद है धन्यवाद। मेरे बहुत आदरणीय रामचंद्र फौजी साहब 100 रुपए सम्मान करते हैं। बार बार धन्यवाद है धन्यवाद। 101 रुपए से मान सम्मान श्रीमान कृष्ण शिषपाल जी मान सम्मान देते हैं। बार बार धन्यवाद धन्यवाद। 101 रुपए मेरे आदरणीय भेगौड़ जी शिक्षा बोर्ड हरियाणा से मान सम्मान देते हैं। बार बार धन्यवाद। और तीसरी कली में तीसरी मदद तोड़ा कर दिया कवि ने। देखिए कवि सदा अमर हो जाते कभी कभी मरते नहीं। कविता अमर हो जाती और समाज को रास्ता दिखाती। तीसरी कली में के कह दिया समझे कोन्या माने ना कहा फिर खुआ खुआ के पारा जिसने भारी कष्ट सहा फिर नीच अधर्मी बेशर्मी के होती ना दया नीच अधर्मी बेशर्मी के होती ना दया फिर पापी पाप करने लाग्या ना मरने तो डरने लागे अग्नि में डरने लाग्या भरता ना डर चौथी अवस्था जिसको बुढ़ापा कहा जाता है। बहुत सी रागनियों में एक शब्द आता है तुरिया पद। मतलब तुरिया पद के लगा समाधि मटल अटारी रहा करो। तुरिया पद भजन की चौथी अवस्था होती है। चौथी जिसमें आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाता है उसको तुरिया पद कहा जाता है। नो को ना कोई तुरिया वाला सप्पा बांध लिया उसका नाम तुरिया। आखिरी कली में दो ही चीज बचे हैं। एक बैठक में एक बुढ़ा पावर एक राम। बुढ़ापन बालक छोड़ के गुड़गा मजा बस है। फिर बुढ़े का राम याद आओगा ना इतना तो वो भी ना थप है। हर जब वो बालक आ भी जाकू यहां तो गुड मॉर्निंग दादा गुड इवनिंग दादा वो दादा के समझ में नहीं आओ बेचारा के। और बोलना था बोलना ना भी बोलना है दर्द सा भी आवे करया कीजा। उस टाइम तो माला ठावो माला भी ना जपी जा हाथ कापन लायक जा नीचे पड़ जा लेकिन अक्कल ओड़े आवे से। आखिरी कली में दादा लक्ष्मीचंद ने पत्थराली ने के दे दिया जड़ते बोले ना कोई। अरे फिर पूछता है के होश
सम गई सो गई गुरु राम रूप ने गुरु राम रूप ने गुरु राम रूप ने परख लिया यो भजन है सही ओ, राम रूप ने परख लिया यो भजन है सही फिर अंधकार का हट जा जाला कटका खुट जा झटपट दाला लक्ष्मी चले रट हर की माला पुष्टे ना पर बदले राम नाम बंदे अपने दिल से नाम बंदे इस भजन पर प्रसन्न हो गए मेरे बहुत ही आदरणीय और देखिए शायद कई साल पहले मुन्ना नू ना भी रहा मैं कोडेक था उस टाइम सू तो ही बीबी उस टाइम भाई रामचंद्र जी के घर में एक प्रोग्राम था छोटा सा खास खूज का था हमारी दादी को एक्सपायर हुई थी मेरे भाई रामचंद्र जी इस भजन पर खुश होकर छोटे भाई का 201 रुपये से मान सम्मान करते हैं बार बार धन्यवाद है धन्यवाद है।